पिता बनने के बाद टीवी पर धमाकेदार वापसी करेंगे विवेक डिसेना। इस शो में आएंगे नजर टीवी एक्टर विवेक डिसेना काफी टाइम से टीवी से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से एक्टर अक्सर लाइमलाइट में बने ही रहते हैं। हाल ही में अपनी शादी और बच्ची को लेकर खुलासा करने की वजह से विवेक डिसेना छा गए थे। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ था कि एक्टर शादी के बाद एक बच्ची के पिता भी बन चुके हैं। जी हाँ, इसी बीच विवेक डिसेना को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि विवेक डिसेना जल्द ही टीवी पर वापसी भी करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो विवेक डिसेना जल्द ही सरगुन मेहता के शो उडारिया में नजर आएंगे। इस बात का खुलासा खुद सरगुन मेहता ने किया है। सरगुन मेहता का दावा है कि वो इस टाइम दो स्टार्स के बीच में कंफ्यूज है, इनमें से किसी एक का ही सीरियल उडारिया में एंट्री होने वाली है। ये दोनों स्टार्स कलर्स टीवी में काम भी कर चुके हैं और इनको फुटबॉल खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। वहीं अपनी पोस्ट में सरगुन मेहता ने अभी स्टार्स के नाम को रिवील नहीं किया। हालांकि फैंस समझ गए हैं कि सरगुन मेहता यहां पर विवेक डिसेना के बारे में ही बातचीत कर रही हैं। माना जा रहा है कि सरगुन मेहता अपने शो उडारिया में नई एंट्री करवाने वाली हैं। सरगुन मेहता ने नई एंट्री के लिए विवेक डिसेना और करण वाही में से किसी एक को चूज करना होगा। करण वाही भी इस रेस में विवेक डिसेना को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीरियल उडारिया की स्टोरी को लीप के बाद पूरी तरह से बदल दिया गया है। इस टाइम कहानी में तेजो की बेटी और एकम की अधूरी लव स्टोरी को दिखाया जा रहा है। एकम जैस्मीन की बेटी से शादी कर चुका है। ऐसे में उडारिया की स्टोरी में इस टाइम खूब हंगामा भी देखने को मिल रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि स्टोरी में नई एंट्री होते ही नया ट्विस्ट एंड टर्न भी शो में देखने को मिलेगा। वेल, आप विवेक डिसेना को उडारिया में देखने के लिए हैं कितने ज्यादा एक्साइटेड हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।